ये खबर सिर्फ जम्मू कश्मीर वालों के लिए है। क्या आप भी चाहते हो धारा 370 और आर्टिकल 35 ए, क्या आप भी चाहते हो वो वापस आए? ये मैं नहीं, ये कुछ पार्टियां जो हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, वो कह रही हैं। जब आर्टिकल 35 ए और धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो काफी ज्यादा शांत माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर का हुआ। उससे पहले आप क्या देखते थे जम्मू कश्मीर में कि हर दिन जो हमारे इंडियन आर्मी है या सीआरपीएफ है या पुलिस है या जितने भी फौज के जवान हैं उन पर जो है कश्मीर में पत्थर बरसाए जाते थे। लेकिन जब से ये धारा टूटी उसके बाद ये सब चीजें जो है ये खत्म हुई। तो जम्मू कश्मीर वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि क्या आप चाहते हैं कि ये धाराएं जो है ये वापस वहीं पर आए? अगर आप चाहते हैं तो भी कमेंट करें, अगर नहीं चाहते हैं तो भी आप इस पर कमेंट जरूर करें। बाकी पूरी वीडियो जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो मेरे पास आई है उसमें जो सुनील डिंपल जी हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं कल दौरे पे जा रहा हूं और वहां पर वो इसके लिए भी कुछ बात जो है दो पार्टियों के उन्होंने नाम लिए तो उन पार्टियों को वो फुल सपोर्ट भी जो है उनकी तरफ से है। और वो ये कह रहे थे कि धारा 370 और आर्टिकल 35 ए जो है हमारा जम्मू कश्मीर का हक वो वापस दिया जाए। तो क्या आपको लगता है जो बीजेपी सरकार है क्या ऐसा होने देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। एक अपील मैं अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों के साथ पीर पंजाल के लोगों से एक अपील कर रहा हूं कि हमारे इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ जी को जो मेंबर पार्लियामेंट के लिए खड़े हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी को पूरा पूरा ताबून करें। और साथ में कल राजौरी में 1 बजे आ रहा हूं, नौशहरा भी आ रहा हूं 3 बजे। राजौरी नौशहरा मेंडर पुंछ के दौरे के ऊपर हम कल आ रहे हैं और 1 बजे राजौरी मिलेंगे, 3 बजे नौशहरा मिलेंगे। और आप लोगों ने मुझे 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया और हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब छीन लिया, तब मैंने ये जंग का ऐलान किया था। और मुझे तमाम मेरे पीर पंजाल के लोगों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बहनों ने, माताओं ने, सभी ने मेरी इस जंग को में साथ दिया। और आज उसका नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट से हम ये जंग जीत करके आए हैं कि रियासत का दर्जा भी वापस हो और असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएं। अब इस रियासत का दर्जा भी आएगा और असेंबली के चुनाव भी आएंगे। इसलिए मैं कल आपसे मिलने के लिए राजौरी 1 बजे पहुंच रहा हूं। अब सब लोगों से मिलने को मेरा भी बहुत दिल है और मैं ये चाहूंगा कि मियां अल्ताफ जी को और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बारामूला से हमारे उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला साहब को भारी वोटों से जिताएं और वहां पे हमारे सारे नेता लोग भी होंगे और जावेद राणा भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, मिशन स्टेटहुड के भी होंगे। वहां पे हम आपसे मुलाकात करेंगे और एक मजबूत, क्योंकि हम 5 की 5 जम्मू कश्मीर की सीटें जीत रहे हैं और असेंबली में भी हम अपने अलायंस इंडिया ब्लॉक के अलायंस जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन, मिशन स्टेट उड़ा असेंबली में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की वकार, पहचान और जंग जो है हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। कल 1 बजे राजौरी, 3 बजे नौशहरा और फिर उसमें पुंछ और मेंढर का भी दौरा है। सब आप मिलने के लिए मैं बहुत ख्वाहिश रखता हूं और आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे
एक तो आपसे मिलना चाहता हूं, दूसरा मियां अल्ताफ को जीते हुए देखना चाहते हैं हम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिनके उम्मीदवार मियां अल्ताफ हैं, उन्हें अनंतनाग सीट के ऊपर और उमर अब्दुल्ला साहब को बारामूला सीट के ऊपर हमको जिताना है। जम्मू की दो सीटें हम जीत चुके हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।